अबू। हाँ अबू। हाँ अबू, तुम्हें बता, गांव में हमारे प्यार की चर्चा होती है। हाँ। मुझे ये डर है साले कहीं नजर ना लगा दे। अच्छा। तुम्हें बता, कल नजीर का लौंडा भी अपने अबू से लड़ रहा था। अच्छा। मैंने देखा दी। हाँ। मैं मर जाऊं। अच्छा। पर अपने अबू से कभी नहीं लड़ूंगा बिल्कुल भी। अबू तो मुझे चाहता बेटा, अपनी औलाद से ज्यादा कौन किसे चाहता। चाहते हो, प्यार करते हो। बेटा मैं तुझे नहीं चाहूंगा तो मेरे कोई और बेटी बेटा बैठे जिन्हें मैं प्यार करूंगा। ओ, तो तू मुझे बहुत प्यार करता अबू है। बहुत प्यार करता हूँ बेटा मैं तुझे। तेरा प्यार एक मिनट में टाइट फिस हो जाएगा। कैसे, करके दिखा मुझे। हैं? हैं? अबू। हाँ। जब मुझे इतना चाहता तू तो 100 रुपए की मिठाई दिलवा दे। हैं? यार ये तो बहुत चालू है, इतना मुझे फंसा दिया, अब तो दिलानी पड़ेगी। अब क्या सोच रहा होगी टाइट फिस। बेटा। हाँ। मेरे पास 500 रुपए का नोट। अच्छा। मैं उसे खुलाना नहीं चाहता था। हाँ। पर तेरे लिए तो खुला ही दूंगा। खुला देगा। हाँ। मैं इसलिए सबसे कहता हूँ, मेरा अबू बहुत अच्छा, बहुत चाहता है मुझे। चल अब मिठाई की दुकान से दिलवा। मिठाई दिलवा दे। चला बेटा चल, दुकान पे से तो लेगा। हाँ। चला बेटा। रुखसाना। हाँ अम्मी। मैंने जाने कौन से नए काम किए थे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। नहीं अम्मी, नसीब वाली मैं हूँ जो मुझे सास के रूप में माँ मिली। रुखसाना। हाँ अम्मी। मेरे सिर में तेल डाल दे बेटा। ठीक है अम्मी, अभी डालती हूँ। अरे क्या कर रही है, इतना जोर से क्यों मार रही है। जू है अम्मी जू। चुप बैठी रहो। अरे मारेगी क्या तू मुझे, इतना जोर से मार रही है। जू दिखवानी है कि नहीं। चुप बैठी रहो। क्या बोली, एक तो मेरे मार रही है, ऊपर से चुप बैठने को भी बोल रही है। जू दिखवानी है कि नहीं। तो जू मार, जू मेरे क्यों मार रही है। आराम से बैठी रहो वरना। वरना क्या, मुझे मारेगी तू। मैं नहीं देखती जू। क्या तूने मुझे फिर मारा, हराम जादे कलमुही। इस जवान को लगाम लगा ले, नहीं तेरी जवान को भट में मार दूंगी। पर फालतू मत बोल जियो। क्या हम फालतू बोलते हैं, तू और तेरा खानदान कम बोलता है ना। खानदान तक मत जियो, देख ले वरना तेरा नाश कर दूंगी। अच्छा हमारा नाश करेगी, हराम जादे, भाग जाइयो यहाँ से, हमें ना है तेरी जरूरत। ओए होए, हमें ना जरूरत, पहले अपने लाल से तो पूछ लेती। हाँ हाँ पूछ ली, वो मेरा बेटा है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। क्या कर के दिखा शादी, तेरा भी मुंह फोड़ू और उस आने वाली का भी मुंह फोड़ू। अच्छा तो हमारा मुंह फोड़ेगी, हराम जादे, अभी बताती हूँ मैं तुझे। तो आजा फिर। मैं तो ये सोच रही हूँ निकम्मी, ऐसे नहीं फाड़ के दो कर दूंगी, ज्यादा पंगे लेगी तो। कलमोही ये ले पे दबा रही है मुझे, हराम जादी। ये ले ये ले कुतिया, ये ले हराम जादी। आज तुझे बताऊंगी तुझे पंगा किससे लिया, हराम जादी चद्दर लंबे लंबे से मारूंगी तुझे। ये नहीं पता मेरा नाम क्या। रुखसाना है रुखसाना, पंगा मत ले। ये ले अमीर रुखसाना, दोनों बाहर बैठी होंगी हमारी। अबू। हाँ बेटा। एक बात सुन ले, रुखसाना और अम्मी मिठाई भी देख कर राजी हो जाएंगी, यूँ कहेंगी कितना प्यार करते हैं मुझसे तेरे अब। सही कह रहा बेटा, मैंने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए जो अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है। सही कह रहे हो अब्बू, रुखसाना की और अम्मी की भी कभी लड़ाई नहीं होती, पूरे गांव में इस बात की चर्चा है। अरे बेटा हमारे तो बाप दादाओं के जमाने से कभी औरतों की लड़ाई नहीं हुई, आओ घर चलो। ठीक है अब्बू। राम जाने रुखसाना के लिए।
इन्हें क्या हुआ? चल बेटा, क्यों लड़ रही है? मेरी बात सुनो, आज के बाद क्या रहेगी या मैं रहूंगी? मैं रहूंगी, मैं क्या बात है? तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप झेल लूंगी। झेल लेगी? हाँ, माँ का दूध पिया तो आज ये चिल्ली, इसे चुप करा ले वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। भूल जा, मगर तुझे ये पता नहीं अब्बू, अगर तू अपनी बहू के लिए भूल सके हमें, तो मैं भी अपनी बहू के लिए तुझे भूल सकूं। इसका मतलब तू मुझे मारेगा? और तू क्या मुझे पूछेगा? तू तो मारने कह रहा था सांड। तो सुन, आज के बाद हमारा तुम्हारा लेना देना बंद। मत करना लेना देना, हम तो अलग रह लेंगे। आधे घर में रह ले, अगर इधर आई तो मारूंगी बहुत। मेरे भी तो हाथ है, मेरी तरफ आई ना तो फोड़ के रख दूंगी। राम जादे है तो निकम्मो की निकम्मी। और सुन, आज के बाद हमारी तुम्हारी बोलचाल बंद, पर अगर तुम्हारी तरफ से गलती से भी कोई इधर आ गया तो मारेंगे बहुत भाई। ये सही है। ठीक है अब्बू, हमें मंजूर है, अगर हम अपनी तरफ से तेरी तरफ आए तो शौक से मारना। लट से मारूंगा, लट से। हमें मंजूर है लटकी पिटाई। ये सही कही तुमने, लट से कर दूंगी पट। मेरे भी तो हाथ हैं, अगर इधर आई ना तो फोड़ के रख दूंगी। और अपने रिश्तेदारों को भी समझा दियो, कोई गलती से भी इधर ना आ जाए। ठीक है, तुम्हारी तरफ से भी हमारी तरफ कोई ना आ जाए, समझा देना। ठीक है, हमारी तरफ से कोई आ तो तू भी मारियो। ठीक बात है। एक बात सुन ले अबू, अगर गलती से भी कोई आ गया हमारे इधर, हाँ तो पिटेगा वो। तो अब होगा इस घर का बंटवारा। बंटवारा ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? मैं बताऊंगा जैसे बता। होगा। आओ मेरे साथ। चल आ रहे हैं। आओ आओ दिखाता हूँ बंटवारा कैसे होता। ए ए ए ए ए ये खींच गई है हाथ। इधर इधर आजा। अगर इससे इधर आया हाँ तो लठ बाजेगा। लठ तेरी लठबाजी हमें मंजूर है। अरे एक बात सुन ले अब्बू। सुनो अब्बू, अगर गलती से इधर आया कोई भी हाँ तो यहाँ होएगी लठबाजी। हमें मंजूर है तेरा महासंग्राम। ठीक है, चल बे चल, आजा अंदर। सिकल को परे को दफान कर ले। तू भी अपने थोबड़ को पल्ली तरफ को ले जा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमान भाई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे वो जमीला बाजी के यहाँ जा रहा हूँ, काफी दिन हो गए गए। अच्छा, मैं सोचा मिल ही आऊंगा। चलो ठीक है, रहमान भाई काफी दिनों में आए हो। हाँ जी। हाँ भाई, सलाम वालेकुम। अच्छा, सलाम। आमना उठे जो चरपाई, इधर टेढ़ी हो जा। चल चलो जाना, हद से बिल्कुल मिला के विशाल। ऑर्डर पे ला रहा मैं भी यहीं जाऊंगा। अच्छा, तेरा बाप हूँ बाप। ये ले, ये ले। मेरा नाम भी जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन। मेरा नाम भी शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली। पर रुसाना तू चुप रहेगा, ज्यादा मत बोले कर। मैं कुछ नहीं बोल रही थी आज तक, तू इसलिए सर पे चढ़ रही थी। मैंने तेरे जैसी बदतमीज पूरे गांव में नहीं देखी। देख लो, चुप करा लो वरना खींच खींच के मारूंगी। ठीक कह रही है तू। हाँ मम्मी को चुप कर ले। ना कराऊं तो? नहीं तो खींच खींच के मारेंगे सांड। तू मारेगा? अबे ओए, अपनी घरवाली चुप करा ले। और एक बात और कान खोल के सुन ले, तेरी घरवाली के रिश्तेदार बहुत आते हैं यहाँ। आने दो, अब की बार जो इधर पैर भी रख दिया ना तो टांगे काट के रख दूंगी। ये ठीक है। हाँ ठीक है अम्मी, काट दियो। हाँ। चल अंदर चलो। जाओ दफान हो जाए यहाँ से।
डरने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। ओए रुखसाना, मामू आए दिखे। आने दो आने दो भाईजान, बैठो। क्या बात है दूल्हा भाई, बड़े गुस्से में दिख रहे हो। अरे कुछ नहीं, शेख चिल्ले से तू तू मैं हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, मेरा भांजा है वो। रुखसाना एक बार सुन ले। हाँ। अगर मामू इधर आ जाए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी? कोई भी आ जाए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है ना समझाने के, हम तो आग बीच के लौट जाएंगे। जैसे करे कर लियो तेरा काम। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत नालायक है। बाजी तुम चुप रहो, मैं खुद समझा लूंगा उसे, मेरा भांजा है वो। ये लो, इसमें कुछ मिठाई और फल है, वो निकाल लेना। रख दे यहाँ को, मैं समझा देता हूँ उसे। हाँ समझा दे, जा, ना मानता तो पिटेगा। सेखू, ओ सेखू, ओ मेरे भांजे राजा, नाराज है? देख तेरा मामू आया है, आंखें खोल। हाँ मैं खुलवाऊंगी आंखें, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। बहू तू चुप बैठ, मैं अपने भांजे राजा से मिलने आया हूँ। मिलोगे? लो हाँ। बैठो। मैं मिलाऊंगी तुम्हें ढंग से। ओ मेरे भांजे राजा। अबे तो मैं क्या करूं? मिल 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 भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया देख लो दूल्हा भाई, शेख चिल्ली ने मुझे रुखसाना पे पिटवा दिया। शेख चिल्ली, तुझे शर्म नहीं आई अपनी मामू को पिटवा देने बीवी से? अच्छा बाहर कोई भी अब्बू वही पिटेगा। अच्छा चाहे तू हो चाहे अम्मी हो। शर्म कर हराम जादे, यही है अच्छे खानदान की पहचान, मेहमानों के साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं क्या? मेहमान होगा तुम्हारा। अरे नालायक, तेरा ना सही, इसका तो मामू है। मामू है तो मेरी हद में आता, वो तो तेरे घर आया था। तो क्या हुआ, शेख चिल्ली भांजा ना है इसका? मामू प्यार ना करते हैं अपने भांजों से? प्यार गया भाड़ में, मिठाई केले वहाँ रख दिए। यहाँ कैसे करवाना है? हमारा मामू आता हमें मिठाई केले लाता, हम खाते। बोलो बोलो कैसा मामू, माल खाओ तुम, इज्जत करे हम। और अबू ये कानून भी तो तुम्हारा बनाया हुआ है जो इस विधानसभा में चल रहा। आज के बाद मैं भी भूल जाऊंगा कि हमारे भी बहू बेटे हैं। भूल जाइयो। अजी छोड़ो भी, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो हम बिरानी जाई को क्या कहे। चलो खाना खाते हैं। चलो। नहीं बाजी, मुझे नहीं खाना खाना वाना, मैंने तो डंडे इतने खा लिए कि मैं गिनता गिनता परेशान हूँ। अच्छा तो मैं चला। कहाँ? भाई एक रोटी तो खा ले। भूख नहीं है दूल्हा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्री फंड में पिट गया, अच्छा मिलने को आया। अबे केले मिठाई तो रख जाता। अजी तुम्हें तो केले और मिठाई की पड़ी हुई है, उस बेचारे पे तो वैसे ही इतनी मार पड़ गई। हाँ सही कह रही है तू, एक बात तो बता मिठाई का करेगा क्या वो? अपने बच्चों को खिला देगा ले जाके। चल ठीक है। चाचा जलालुद्दीन आ जाओ भाई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। भाई शेख जी आ जाओ आ जाओ। अच्छा दरवाजा खुला बताओ। किससे मिलने आए हो? मैं तो आप लोगों सबसे मिलने आया हूँ। क्या आपसे भी? आपसे भी? अरे इमरान
किससे मिलने आए हो? इनसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मिलने आए हो आप? इनसे भी मिलने आया हूँ। खास हो रोजाना? हाँ शेख जी, ये अबू से मिलने आया। हाँ, अगर इधर आ गया रसाले उठोगे ना तो ही देखो राहत सर। आने दो, दोनों पकड़ के मारेंगे। ठीक है, उनसे मिलने आया है। इसका एक पैर उधर है, उधर आया ये। हाँ जी, उधर ही आया है। अगर इधर आ जाए, हाँ जी हाँ जी, तो लपेट दियो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मिले जी से मिलना है, मिले हमसे मिल जाए, आपसे मिल जाए, मिल ले। आ जा, अरे अम्मी कैसे मार रही, कैसे मार रही अब्बू, देखो अम्मी, देखो घूस है मुझे मारी। तेरा मुंह फोड़ दो, उधर का मेहमान इधर आ भाई। देखो सेठ जी, मार मार ताकि से मार रहे हैं। देखो सेठ जी, देखो फोड़ फोड़ मार रही है, ऐसा अम्मी रोज मार रहे हैं। आज आज जब इधर मिलने आया तो अपनी उधर रास्ता ठीक कराने का था। जल्दी मिल, मिल। अबे इधर डंडा मार रहा है, डंडा ले आए तो डंडा ले आए। मार 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 जाना उधर था। हमारा पागल आया रहा था, हमें बना रहा पागल। जब हमारी तरफ आया था सर, हमारी तरफ आता है, हमारे दुश्मनों की तरफ जाने की जरूरत क्या ही? हाँ। अगर हमारी तरफ आया था तो हमारी तरफ आता, उधर जाने की क्या जरूरत थी है? तो उधर जाने की कई किस्मत थी साला। हद पे हमें बाव बावला बना रहा, हद पे इधर खड़ा कभी उधर खड़ा। जब वो कह रहा था मैं तुमसे मिलने आया हूँ, उससे कह रहा मेरे से मिला, बीच में बोला तू। अब जी तेरा मेहमान था वो, तेरा था। पहले उसने हाथ तेरी तरफ करा, मैं दूसरा हाथ तेरी तरफ करा। दूसरा कैसे करा? पहले तेरी तरफ करा। मैंने करा, भाग्यानी साले की तोड़ देता है। मेरे से निकल गया वो, काटे साले के घुटने, यहाँ से पाए निकाल देता। अब कोई भी आ गया ना तेरा मेहमान, साले की बोटी बना दूंगा, बोटी यही। मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और याद रख, तूने डंडों से मारा, मैं लठों से मारूंगा। लठ से पेलेंगे। एक बात सुन, हाँ, तेरी मेरी यही लठबाजी रही। ठीक है ठीक है, चल चल बे, चल रोटी निकाल, चल। अम्मी से भी कह दे। हाँ, कह दिया। लठ से मारेंगे, चल। चलो जी चलो, रुक जाना, जा एक गिलास पान लेकर। तुमने बहुत मेहनत का काम करा ना, तुम्हें डुकास लग गई। भाई ऐसा था, कोई पड़ोसी भी नहीं आने का मिलना। अब्बू तो बहुत बुरी चीज है। सलमान भाई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? फरजाना को रुखसाना भाई से मिलाने जा रही हूँ। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूल्हा भाई ऐसे क्यों आया? एंट्री में खड़े थे, चालान काट देता। मैं कम मगर एक बात सुनिए, मैं तुझे उधर जाने की क्या जरूरत थी? अब्बू की तरफ क्यों गया तू? वो तो मेरे खालू का घर है, वहाँ तो मैं अब भी जाऊंगा। उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वहाँ तो मैं अब भी जाऊंगा खालू के पास मिलने के लिए। आने को कह रहा, लपेट दियो। आने दो सलमान, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? रुखसाना ये मानने वाला नहीं है। अम्मी का भाई नहीं माना था, यू कैसे मान जाएगा? जाने दे जाने दे। नहीं मानना तो जा जा जा। भाग्या भाग्या हाथों में से। बदतमीज़, शर्म नहीं आई मेरी बहन को मारते हुए? डूब के मर जा। हम क्यों मर जाएं?
तेरी बहन है तो मेरा भी तो भाई आया था जो तूने पीटा था, और शुक्र कर मैंने तेरी बहन को पीटा, वरना शेख के अब्बू से पिटवाती। हराम जादी कल मुही। अम्मी मैं कह रहा हूँ छोटी हो जा, छोटी हो जा। है? इसका भाई आया हुआ। मैं क्यों हो जाऊँ? इसका भाई आया हुआ है तो मेरा क्या खसम आया था? मेरा भी तो भाई आया था जो तुम दोनों ने मिल के पीटा था। अरे नालायक, तूने तो बाप की शर्म उतार के बेच डाली। दूल्हा भाई, ये क्या आफत है, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही। सलमान भाई, पूछने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग पागल हो गए। आए हुए मेहमान को लट बजा दिया, ना चाय ना पानी। ये अपनी बहन से पूछ, इस कलमोही से। खाला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन से ऐसी क्या गलती हो गई, मुझे तो बता दो। दूल्हा भाई, ये तो बताओ ये हद कैसी है भाई? हद बंदी तो नाच की जड़, लड़ाई की जड़ हद बंदी है ये। जी जा जी, इन सास बहू में तो बहुत प्यार था, इनको नजर कैसे लग गई और ये घर में हद कैसे खींच गई? हमसे मत पूछ, ये तो इन दोनों ने फैसला किया, जो इस हद से उधर जाएगा ये मारेंगे, और जो इधर आएगा इसने फैसला कर लिया मैं मारूंगी। तो खालू रिश्तेदारों को ही मारोगे? ये अपनी लाडली से पूछ, जो इसने पहले मेरे भाई को मारा था, हद से उधर चला गया था। सारी लड़ाई की जड़ ये हद है। हद नहीं, हद बंदी। सलमान, ये अब्बू ने विधानसभा में पास करा, ये हद बंदी ऐसी रहेगी। लड़ाई खत्म करने का एक ही तरीका है खालू। भाई वो कौन सा? हम बड़े परेशान हैं इससे। खालू, इस हद की लकीर को मिटा दो। नहीं सलमान, ये नहीं हो सकता, इन लोगों ने तेरी बहुत बेइज्जती की है। नहीं नहीं जिया जी, वो आपके अम्मी अब्बू है। अब्बू अम्मी है तो क्या सिर पर चढ़ेंगे मेरे? देखो जी, हमारा कोई लड़ाई करने का इरादा नहीं है, हम क्यों लड़ेंगे? लड़ाई तो इन्होंने शुरू करी है पहले। तो तुम इस हद के चक्कर में रिश्तेदारों को मारोगे क्या? लो, मैं इस हद को ही मिटा देता हूँ। लो जी, मैंने ये हद ही मिटा दी। सलमान, तूने ये अच्छा किया, मिटा गए। ये सारी लड़ाई झगड़े की जड़ी हद थी, हम इससे बहुत परेशान थे, हम सब मिलकर रहेंगे। क्यों अम्मी, क्यों अब्बू? हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आजा। आइए मेरे बच्चों, आओ। मेरे बच्चों, आओ। किसकी नजर लग गई थी? आओ। अम्मी हमें माफ कर दो। बेटा हमने माफ कर दिया। तो हम फिर मिलेंगे।